कैसे आप सारे लोग, जैसे कि आप सारे जानते हैं, यूरो का क्वार्टर फाइनल चल रहा है। और आपको बता दें, ये क्वार्टर फाइनल का आखिरी मैच है जो खेला जा रहा है यूक्रेन वर्सेस इंग्लैंड। और इसके अंदर मैच जो सीधा खेला जा रहा है, ये खेला जा रहा है रोम के ओलंपिक, जो कि है स्टूडियो ओलंपिको, और वहां पे मैच खेला जा रहा है। और ये मैच के अंदर आपको बता दें कि साउथ गेट की टीम, जो कि मैनेजर है साउथ गेट के और इसके इंग्लैंड के, उन्होंने अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। हर एक केन, पूरी टीम भरी पड़ी है, हैरी केन, गर्लिश, आपका सेंचो, और क्या कहते हैं उसे, स्टर्लिंग। और ये मैच बिल्कुल यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा नाइटिश का है, हम अब वहां पहुंच चुके हैं इंग्लैंड का। और आपको बता दे, हैरी केन पहुंच चुके हैं, यूरो 2020 का, जो कि 21 में खेला जा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। एक तरह से कहें कि इंसान की जीत हो रही है उस महामारी के खिलाफ, जो कि हमारे को एक साल पीछे कर गई है। और उसी एक साल के पीछे होने की वजह से कुछ टूर्नामेंट जो नहीं हो सके पिछले साल, वो इस साल खेले जा रहे हैं। और आपके सामने बता दे, सेम और वाइट सन गेमिंग फर्स्ट, वेरी नाइस बेटा, तुम पहले आ गए हो, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे आने से। आज दीपपाल तो है नहीं, दीपपाल तो सो गया है, पर आपके आने से चार चांद लग गया है, थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है और कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि काफी नाइट होगी, पर ये मैच जरूर देखते रहना। ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंग्लैंड वर्सेस यूक्रेन का, और ये इंग्लैंड आसानी से जीत जानी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। बाकी वक्त बताएगा क्या होता है, और हम लोग भी इसका गेम प्ले खेलेंगे, साथ साथ प्ले लॉन खेलेंगे, देखते क्या होता है। अभी हमें देखना है कि यहां होता क्या है, क्या चलता है। मैच वहां पे स्टार्ट होने वाला है, और जैसे इंग्लैंड है इसमें पिकफोर्ड, जे स्टोन, मैग्वायर, चार, राइस, के फिलिप, गर्लिश, कैंचो। यहाँ पे एक चेंज हुआ है उसमें, यहाँ स्टिपिंग को नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह कोई और खेल रहा है, वो रियल टाइम में आपको पता लग जाएगा वहां पर। और यहाँ टॉस होने वाला है, हैरी केन लेफ्ट से राइट खेलने वाले हैं, और मेरे ख्याल से यारा मिलंको, यहाँ पर बता दें कि मैच हमारे यहाँ से शुरू हो चुका है। गेंद मैग्वायर के पास, मैग्वायर माउंट आज खेल रहे हैं, और ये गेंद सिर से निकल चुकी है। और आपको बता दें, ये तीसरे नंबर से क्वालिफाई किया है, और बहुत ही बड़ी बात उपलब्धि है इनके लिए। और इंग्लैंड जो है इजीली निकाल लेगी मैच पर। आज आपको बता दें, तीसरे नंबर की अपने ग्रुप की टीम आज क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, और इसके बाद सिर्फ इटली, स्पेन। मेरी तरफ से मानिकदीप सिंह, हाय कैसे है बेटा, ये मैच जरूर देखो। अगर किसी ने कुछ नहीं देखना, फुटबॉल नहीं देखना, तो ये देखो, इंग्लैंड इज जस्ट लाइक इंडिया इन फुटबॉल। और ये गेंद काफी सुंदर मिली, अच्छा शॉट, बिल्कुल ठीक था, तू सुना बेटा।
मुझे लगता है इजीली जीत जाएगी। चांस पिंको के पास, पिंको आगे दे रही है गेंद, गेंद जीती माउंट के पास, गेंद पर माउंट को गेंद नहीं मिली, स्पिंकल को मिली है, स्पिंकल आज नहीं खेल रहे, स्टेपिंग को गेंद यारामी चुक को दे दी थी, यारामी चुक से गेंद छीनी, गेंद अब हैरी केन के पास है, हैरी केन बैक पास देंगे, वॉकर को गेंद दी है, वॉकर गेंद को निकाल नहीं पाए, गेंद विलेस्की के पास है और यहाँ पे 1.5 मिनट का खेल हो चुका है और एंड्री सेचिस को यूक्रेन के वो है और साउथ गेट आपको बता दे बहुत है। डीपी कहाँ है? डीपी बेटा डीपी एक्चुअली सो गया है क्योंकि उसको अलाउड नहीं है इतनी देर खेलने का और ये गेंद छीनी और वैसे भी उसकी मदर ने उसको ऐसे सुला देना ऐसे ही मार मार के तो अलाउड ही नहीं है उसको बेचारे को। तो ये 11 मिलिंग को कम से कम 2 गोल पड़ने चाहिए और डी राइस ये रोका गेट डी राइस के पास, डी राइस ने डी माउंट को दिया गेंद, वॉकर लेफ्ट टू राइट खेल रही है, उल्टा खेल रही है आज। फिलिप्स ओ हैरिकेन के पास गेंद थी पर गेंद नहीं कर पाया और यहाँ पे आप जो मैच देख रहे हैं 2.5 मिनट का समय हो चुका है, गेंद अभी भी इंग्लैंड के हाथ में है और हाफ में है यूक्रेन के। यूक्रेन अपनी इस ड्रीम रन में पहली बार पहुंची है क्वार्टर फाइनल पे और आपको बता दें इस बार ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ये यूरो जीत सकती है। सैंचो और ये गेंद काटी, अच्छी काटी मिलिंको ने, काफी अच्छा रीड किया, वापस बैक पास दे रही है। मैं आपको बता दूं कि ये मैच जो होगा सबसे इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए। और यहां पर अच्छा अटैक बना था जॉन स्टोन्स, बढ़िया यार की स्ट्रीम कर रहे हो उसमें ज्यादा मजा आता है। करेंगे करेंगे कल से करेंगे, कल से लेट नाइट क्रिकेट शुरू होगा। और देख लीजिए जी ये सिर्फ थोड़े से मिनट में ही गोल हो गया है, हैरी केन ने गोल कर दिया है। अरे इंग्लैंड जीतेगी, इंग्लैंड ही जीतेगी। अब बता दे सबसे पहला गोल पड़ चुका है इंग्लैंड की तरफ से और हम भी उसको गोल करेंगे। अब और इसी के साथ हमने भी गोल कर दिया है और आपको बता दे हैरी केन ने एक गोल कर दिया है वहां पर भी और हमने भी यहां पे एक गोल कर दिया है। लेफ्ट टू राइट सिर्फ डिफरेंस ये लेफ्ट टू राइट खेल रही है और हमारी टीम लेफ्ट टू राइट खेल रही है और वहां पे राइट टू लेफ्ट खेल रही है इंग्लैंड और इंग्लैंड एक गोल करके बैठ चुकी है और हम देखते हैं आगे क्या होता है। 4 मिनट के खेल के अंदर ही पहला गोल मिल चुका है। established.
और ये स्टर्लिंग के पास, स्टर्लिंग गेंद को आगे फड़ा रहे हैं और ये शॉट लेने की कोशिश करेंगे वहीं से दूर से, और ये गेंद पे इतनी दूर से गोल, और लगातार दो गोल हो चुके हैं और दो गोल कर दिए हैरी केन ने। और दो गोल कर चुके, उसकी एकेडमी भी नहीं हो रही। भैया डीपी घर पे पूरा दिन बोर नहीं हो जाता? हो जाता है भाई, बिल्कुल हो जाता है, पढ़ाई भी करनी है, पेपर एग्जाम आ रहे हैं ना उसके। आज इंग्लैंड देख ले, अभी एक गोल करती है, तूने नहीं कहा ना, उन्हें बुरा मना लिया। और ये टी राइस ने गेंद ली, स्टर्लिंग ने गेंद को दिया और ये, और बहुत अच्छा सेव किया है। आज रोम के अंदर हैरी केन आने वाला है और हैरी केन जो आएगा वो लेके आएंगे हैरी केन, और अभी तक एक गोल कर चुके हैं हैरी केन। और सिर से निकल गई गेंद, पिकफोर्ड के हाथ से टच होके निकली है गेंद। आपको बता दूं अब तक कोई गोल नहीं हुआ है पिकफोर्ड के पास। पिकफोर्ड इज जस्ट लाइक अन वॉल, और इसी का फायदा उठा के इंग्लैंड मुझे लगती है इस बार की यूरो चैंपियन बन सकती है। कहे तो मैंने अपने बेटे को पहले ही बताया था कि इंग्लैंड अच्छी टीम है। और ये कॉर्नर हो जाए, बारह मिनट की स्ट्रीम के अंदर हम लोग पहुंच चुके थे। आपको बता दें और ये गेंद माउंट हैरी केन, हैरी केन को रोका जिबनी ने, मैं तो कह रहा था कि यूरो कप स्पेन ले कर जाएगा। अरे वो तो अब पता लगेगा, पहले स्पेन जीते तो सही, इटली को तो हराए, मेन इटली का जीतना बहुत जरूरी है, इटली के साथ उसका मैच है, इटली के साथ जीतना जरूरी है, वो तो हमने सेमीफाइनल में पता लगा, पर इस अगले सेमीफाइनल में मुझे लगता है आसानी से डेनमार्क को हरा सकती है, पर वो देखना कि डेनमार्क से हारती कि नहीं। यारी मुचुक का बहुत अच्छा चांस था, गेंद सिर से निकल गई है, दो गोल से बढ़ रही है, और पहला, और ये खतरनाक हो सकता है। और और ये सैंचो, और ये ऑफसाइड मिलेगी, और एक को डिफेंड करके दूसरे को दिया है गेंद पर, ये बहुत अच्छा बन सकता था चांस, नहीं
पिकफोर्ड और बहुत 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 कोशिश करने के बाद भी गेंद नहीं गई है गोल के अंदर, और मुझे कहना पड़ेगा आज पिकफोर्ड लग ही रहे हैं कि एक तरफ से स्ट्रॉन्ग मैन है, रोक के रखा हुआ एक पूरी आर्मी है। बैक पास और हेडर मारा है, गेंद सीधी चली गई है। इस समय वॉकर और आपको बता दें एक अच्छा अटैक बना था यूक्रेन का, पर यूक्रेन का वो अटैक कुछ कर नहीं पाया। दोबारा से गेंद चली गई है बाहर, और भैया मैं चाहता हूं कि पुर्तगाल जीते यूरो कप, वो बाहर होगी। अब भाई देख सुन, ऐसा होता है ना, बहुत प्रिडिक्टेबल भी है फुटबॉल, फुटबॉल ना पता लग जाता है कौन जीतने वाला है। आपको थोड़ा सा ना आहट होनी शुरू हो जाती है, आप जैसे ही आप क्वार्टर्स के पास पहुंचोगे ना आपको पता लग जाएगा, पर क्वार्टर जो होता है ना हमेशा यूरो का ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहा है। मैं आज भी जानता हूँ ग्रीस जिस दिन वर्ल्ड यूरो कप जीती थी ना, मैंने ये समझ लिया था कि भाई यूरो कप कोई पहचान ही नहीं सकता। उस समय ग्रीस का कोई नामो निशान नहीं था, पर वो फाइनल जीत गई। और ये शॉट लिया है, बहुत दूर गेंद चली गई थी, कंट्रोल नहीं कर पाए। और इसी के साथ भैया बढ़िया, गुड नाइट। ओके ब्रो, गुड नाइट, टेक केयर, कल बात करेंगे। ये गेम प्ले है जो कि हम खेल रहे हैं इस समय, रोम के अंदर मैच चल रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही बनाने की कोशिश करी है। और यहाँ फिर दोबारा से लाइट फ्लैंक से लेने की कोशिश करी है, 12 मिनट का खेल हो चुका है और यहाँ 28 मिनट का खेल हो चुका है। और ये बहुत अच्छा रोका है, और नहीं उनको लग भी रहा था कि हम नहीं डाल पाएंगे। और आप सबका थैंक यू जो लोग आए हैं, और इट्स वेरी थैंकफुल, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और आपके सामने जो ये मैच दिखा रहा हूँ उसके साथ बोल भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, 13 मिनट का खेल हो चुका है, इंग्लैंड 1-0 से आगे चल रही है, काफी अच्छे अटैक्स बना के रखे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यूक्रेन ने भी एक अटैक बनाया था, पर यूक्रेन का जो अटैक था वो इतना कारगर साबित नहीं हुआ था। और उसके बाद इंग्लैंड ने भी अच्छा अटैक किया है, पर गेंद अभी भी इंग्लैंड के उस पे खाने पे ही है। आप सबको बता दूं कि मेरी फेवरेट जो है इस समय जो दिख रही है वो इंग्लैंड ही, वैसे भी इंग्लैंड ही है हमारी, इसमें भी मैं कोशिश तो यही करूंगा कि इंग्लैंड को ही जिताने की कोशिश करूंगा। और ये बहुत ही बढ़िया डिफेंसिव हो रहा है पेंचो, हैरी केन से गेंद छिन गई यार, जेब नेवी साइड। और यहां पर गेंद जो है अभी भी यूक्रेन के ही हाफ में खेली जा रही है, ये अटैक के लिए जाएंगे। 11वीं चूक को चूकना नहीं चाहिए, 11 मिलियन को, और ये हेडर, और ये बच गए हैं, बहुत ही सुंदर बचाव। मिलविंस्की, और ये हेडर मारा था अच्छा साइकिल पर, ये गोल लाइन से बाहर हो गई। और यहां पर आपको बताऊं जोन्स ने काफी अच्छा मौका बनाया था,
थ्रोइन आई है यूक्रेन के हाथ में, अब इंग्लैंड के हाथ में पहुंचे हैं, मौका नहीं बन पा रहा है। येलो शर्ट्स ज्यादा खेल रही हैं, खेल दोबारा बनाया नहीं, और ये हैरी केन को दे रहे थे, अच्छा रीड किया गेंद को, साइड पास 11 मिलिंग को। और आपको बताऊं यहां पे लाइव में 16 मिनट हो चुके हैं और गेंद अभी इंग्लैंड के हाथ में है, इंग्लैंड के हाथ में है और पोसेशन में उन्हीं के पास, और ये अच्छा 11 मिलिंग का कोशिश हो रही है, और ये गेंद को शॉट किया, पिकफोर्ड को ब्लॉक नहीं कर पाए। पिकफोर्ड आज वॉल है, अभी तक एक भी गोल नहीं कंसीड किया है, और देखिए यहां पे चांस बनाया था, ग्यारह में चुक गए गोल करने से, अच्छा बनाया था। कॉर्नर मिला था, कॉर्नर और हेडर के ऊपर से गेंद गई है, अभी भी खतरा टला नहीं है, गेंद वहीं पर ही है, बॉक्स से बाहर है रियल लाइफ में। और ये गेंद राइस के पास, राइस ने बैकवर्ड पिकफोर्ड को दिया, पिकफोर्ड ने स्टोन, फिलिप बाउंड, बहुत ही बढ़िया चांस बना था, 38 यहाँ पे फाउल दिया है, राइस स्टर्लिंग को पास गेंद आई थी, और ये हैरी केन के पास गेंद, हैरी केन ने गेंद सीधी दे दी है, मौका नहीं बना पाए हैं गेंद पर, और अब दोबारा से 11 मिलिंको को गेंद दे रहे हैं, 11 मिलिंको 11 मिचुक को लेफ्ट फ्लैंक से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, गेंद को सीधा गोल लाइन तक पहुंचा दिया, अब यहां से टर्न करके गोंद को सेंटर करने की कोशिश करेंगे, और ये खतरनाक हो सकता था, बहुत प्यारा डिफेंस, यहां पे क्या दिया है, यारा मी चूक बता रहे हैं, चूक गए हो आप जरा सी जगह से, और फिलिप्स राइस और ये साइकिल की गेंद गोल लाइन के बाहर हो चुकी है, और आपको यहां बता दे 20 मिनट का खेल हो चुका है और अभी तक कोई मूव खास बना नहीं है, गेंद अभी
है तो यूक्रेन के खाने पे, पर कोई सेशन नहीं है उनके पास, तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई खतरा है। गोलकीपर की लंबी किक और गेंद दोबारा से इंग्लैंड के पोजीशन में आ चुकी है, पर पोजीशन ऑकवर्ड स्थिति में है, पर गेंद अभी काबू नहीं कर पाए हैं। अब इंग्लैंड के खिलाड़ी के पास काबू है, पर नहीं, फाउल दिया है। और यहां पे 42 मिनट का खेल हो चुका है, और स्पेंकोवो ये स्टर्लिंग ने गेंद छोड़ दी, ये गेंद माउंट के पास, माउंट ने सैंचो को दे दी, सैंचो ढूंढ रहे हैं इस समय स्टर्लिंग को, स्टर्लिंग की ये किक और गेंद सीधा सिर के ऊपर से निकल गए, और ये दाएं हाथ पैर से करा गेंद पे, अच्छा मूव बनाया था पर गेंद हाथ से निकल गई क्योंकि वहां पे रिसीविंग एंड में कोई नहीं था, बहुत अच्छा मौका बनाया था। चार इंग्लैंड के खिलाड़ी पहुंचे थे बॉक्स के पास, पर गेंद जो थी हल्की सी पीछे से रह गई और गोल नहीं हो पाया, पर अच्छा अच्छा गेंद था मेरे हिसाब से, ये सबसे अच्छा मूव बनाया था। एक रिसीवर एंड में नहीं था क्योंकि बैक पास दिया था, हल्का सा मतलब आगे चली गई थी फ्रंट लाइन। बहुत प्यारा कोशिश। अब आपको बता दें कि यहां पर यूक्रेन का एक ही मूव बना है, कुछ खास मूव नहीं बना पाई, पर यह मूव थोड़ा खतरनाक हो सकता था। फॉल मिला और फ्री किक मिली है, और फ्री किक के बाद पोजीशन तो अभी यूक्रेन के हाथ में ही है, पर हाफ में अपने ही हाफ में है वो। ये गेंद वॉकर के पास, वॉकर ने गेंद राइस को दे दी, लेफ्ट फ्लैंक से खेल रहे हैं, और ये हरे कैन के पास गेंद, हरे कैन ने कोई गलती नहीं करी और गोल दे दिया है। आपको बता दें ये गेम प्ले है जो कि हम पीएस में खेल रहे हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। रियल वर्ल्ड में अभी एक ही गोल हुआ है, हरे कैन ने ये तीसरा गोल कर दिया है। इंग्लैंड में फुटबॉल का वो हाल है जैसा कि हिंदुस्तान में क्रिकेट का है। आप मत सोचिए कि मतलब क्रिकेट वहां से ज्यादा फुटबॉल लव करते हैं वहां के लोग। और इसी के साथ 45 मिनट का खेल हो चुका है, और हमारे सामने 45 मिनट का खेल हो चुका है, और यहां पे 24 मिनट का खेल हो चुका है। मुझे 2-0 से कम लगता है कि मैच आज जीतेगी, बाकी भगवान जाने क्या होता है। सेकेंड हाफ शुरू करने लगे हैं हम, राइट कर लें, सैंचो बैक पास, और अब जो आप देख रहे हैं आइडेंटिकली उसी हिसाब से गेम चल रही है। ये खतरनाक हो सकता है, यहां पर पहुंच चुके हैं, और यहां पर खतरनाक हो सकता है, थोड़ा सा लाइन के पास जाके इन्होंने एग्रेसिव टैकलिंग करी है, तो पूछने जा रहे हैं। Obviously that wasn't the case. Looking for newsman to dismay from the culprit, but the referee clearly thinks there was enough there.
बिल्कुल लाइन के ऊपर दिया है और देख लीजिए और काफ कोई गलती नहीं करी मलिंकोवी ने और गोल कर दिया है और इसी के साथ एक गोल से आगे हो चुके हैं। साउथगेट की टीम मुझे लगता है आसानी से जीत जाएगी, आसानी से ले जाएगी, पर ये सब कुछ हम देख पाएंगे। और ये एक अच्छा चांस बन सकता था, Sancho, and it's Walker, Sterling, Shaw, forward, और ये खतरनाक प्ले बॉल दिया है, शॉ को येलो कार्ड दे दिया है, थोड़ा खतरनाक करा था टैकल इसको। That's the first attempt, Peter, we've seen at one of those raking passes just to spread the play. और गेंद शॉ के पास है। He's made sure that that won't get through. Tries to get it forward quickly. Zinchenko. Zinchenko plays it out to the wing. और ये चांस लेने की कोशिश थी, बहुत बढ़िया गेंद को बचा किया है, दो दो बंदे खेल रहे थे पर अभी भी क्लियर नहीं हुई है गेंद। ये स्पिंको के पास ही है, स्पिंको ने ये गेंद ग्यारहवीं चुक को दी, ग्यारहवीं चुक का ये गोल नंबर दो और हम कह सकते हैं कि काफी अच्छी वापसी करी है। बहुत ही बढ़िया वापसी, हल्की सी डिफेंसिव खेलने पे नुकसान होता है ये आपको बता दें। और हेडर सिर के ऊपर से निकली, यहां पर बहुत a really good game. Well, they're very much the better team at the moment, Peter. And oh. No doubt we'll be looking to cause even more damage here. Zinchenko. He's making good use of his strength there. Just refuses to be out-muscled. और ये क्या है? And that is a huge moment in the context of the game. और दो गोल दे दिए हैं और एक और प्लेंटी मिली है, बिल्कुल और बहुत प्यारा बचाव, पिकफोर्ड द वॉल ऑफ इंग्लैंड। He gets past his man. Great strength, too strong for his opponent. गेंद केन के पास है, केन ने गेंद शॉ को दे दी है, शॉ गेंद को लेकर चल रहे हैं, शॉ देखेंगे किसको दे रहे हैं, शॉ दे दी है, ये गोल के लिए अच्छा बन सकता था चांस और दूर से रह गई है गेंद।
चांस कर सकती है एक और गोल की। यहाँ पर थ्रो इन मिला है, पांच की डिफेंस लाइन पे खेल रही है, बिल्कुल डिफेंस हो गई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत प्यारी काट लाइन के अंदर जाके कटा और ये फाउल दे दिया है। दोबारा ट्राई, ये यहां से यूक्रेन जीत पाएगी। मुझे यहां से एक गोल की बू आ रही है, यहां पे किसी समय भी एक गोल हो सकता है। राइट का ये गलत कर दी, काउंटर पे तो गई नहीं है। और जमीन क्यों फिरिंग क्या गेंद स्टर्लिंग के पास है, स्टर्लिंग गेंद तो दे रहे हैं और ये बहुत प्यारा बन सकता है मूव और ये गोल। और इंग्लैंड फिर दोबारा 2-0 से हो चुकी है। आगे हो चुके हैं दो, मुझे लगता है कि 60 मिनट का जो खेल हो चुका है उसके अंदर कोशिश करी जाएगी कि गेंद अपने पास रखी जाए। बैक पास और यहाँ पे स्टर्लिंग के पास गेंद, बैक पास, डी राइस, चांस, अटैक पे जा रही है। और ये अटैक के लिए जाएंगे, हेडर बहुत प्यारा बचा। Situations better by stopping the crosser at source.
लेट्स सी, मेरे लगता था कि आज हमारी ये स्ट्रीम बहुत तेज होगी, पर नहीं, आज बड़ा ही मिक्स रिस्पॉन्स आया। पहले मैच का अंदर रिस्पॉन्स अच्छा आया था क्योंकि नाइट काफी हो चुकी है, लोग इतने जागे नहीं होते हैं, पर स्टर्लिंग जिब्रिन माउंट और ये गेंद ढूंढी पर नहीं मिल पाई, वो क्रॉस बार साइड और यहां से गेंद चली गई है बाहर। बहुत बढ़िया डिफेंसिंग, बहुत प्यारी डिफेंसिव है, मतलब मैं रियल लाइफ में भी देख रहा हूं। 37 मिनट का खेल हो चुका है और ऑफसाइड, और गेंद मिल गई है सैंचो को, सैंचो गेंद को स्टीफन स्टर्लिंग को दे रहे हैं। यहां से शॉ निकले आगे और ये ढूंढ रहे थे हैरी केन को पर नहीं मिल पाया गेंद। और इंग्लैंड के जो रहीम खिलाड़ी है रहीम स्टर्लिंग, और ये गेंद डायरेक्ट चेन को पास है, वापस चली गई गेंद माउंट से छीनी, माउंट को डेक किया, पीछे 5 खिलाड़ी खेल रहे हैं, साइड पास कैरावीक के पास, कैरावीक को रोकना चाहिए पर यहां पे बहुत प्यारा गोल कर दिया है। इतना आसान गेम नहीं देने वाले हैं और मैं सच बताऊं ऐसा आसान गेम मिल भी नहीं रहा रियल वर्ल्ड के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर भी थोड़ा सा टफ दिया है मैच को। We have got ourselves a game here. I think they can sense a comeback here and so can this crowd. It's all systems go now. Yeah. And it's Sterling. The outcome could so easily have been different. Very speculative with little threat, if any, for the keeper. What? सत्तर मिनट का खेल हो चुका है, 2-0 से आ गया। अभी एक अच्छा मूव बना था इंग्लैंड का, इस मूव के अंदर गोल के बिल्कुल पास पहुंच गए थे पर नहीं कर पाए। अब इसके बाद से गेंद यारामी चुक के पास है, यारामी चुक के साथ ही चल रहे हैं और ये सीधी गेंद थी, गेंद को जाने दिया, गेंद हाथ से लग के गोल लाइन के पास है, कॉर्नर मिलेगा यूक्रेन को। यूक्रेन जो है यहाँ पे बहुत अच्छी डिफेंसिव गेम इंग्लैंड खेल रही है जिसकी वजह से गोल करने में मुश्किल हो रही है।
और ये ट्राई करेंगे, सीधी गेंद मिली है पिकफोर्ड के पास, नहीं मिल पाया है कोई चांस। मैक्वायर बहुत प्यारा बचाव, गेंद हैरी केन के पास, हैरी केन आगे दे देंगे और ये स्टर्लिंग थोड़ा सा मौका वैसे ही बना था पर नहीं बना पाए। और आपको बताऊं तो यहां पर दोबारा से यही मौका बन रहा है पर चांस नहीं बन पाया, गेंद वापस आ चुकी है, जीत ली है यूक्रेन ने। और ये चांस ये गेंद साइड कर दी है, साइड लाइन से बाहर कर दिया है, थोड़ा सा खतरा बन रहा था। पंद्रह मिनट का खेल अभी शेष रह चुका है, यहां पर अगर गोल कर दिया तो मैच के अंदर बन जाएगी दोबारा से गेम। यूक्रेन को एक गोल के ही बीच में गैप है और यहां पे 42 मिनट हो चुके हैं। आपको बता दूं कि मैच के अंदर दोनों जगह पे काफी अच्छा बना के बैठी हुई है और अगर यहां पे गोल कर देती है यूक्रेन गेंद जा रहा है मैक्वायर के पास, राइस और ये थोड़ा सा वीक पास दिया था, ढूंढ किसी और को रहे थे पर ये भी पास गलत दे दिया है। और ये स्टर्लिंग के पास गेंद है, स्टर्लिंग शॉ को ढूंढ रहे हैं, शॉ देखिए हरे केन को ढूंढेंगे और हरे केन गेंद काफी दूर रह गई और रियल वर्ल्ड में भी 43 मिनट का खेल हो चुका है। और आपको बता दें यहाँ पे भी मैच खत्म होने को मतलब हाफ टाइम होने को है, प्रिंस को यहाँ पर अगर एक गोल कर देती है तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा यूक्रेन पर मुझे नहीं लगता। और सेंचो और नहीं मैक्वायर और ये अच्छा बचाव दिया है और साथ में भागेंगे और ये गेंद देती है स्टर्लिंग को, स्टर्लिंग शॉ नहीं आ गया है और ये हेडर के लिए कोशिश करी है पर नहीं काफी लाइन से बाहर है, वो मौका नहीं बन पाया है। 11वीं चूक यहाँ पे काफी चुके हैं रियल वर्ल्ड के अंदर और हैरी केन का जो गोल है अभी भी इंग्लैंड को 1-0 से बढ़त बना कर रखी हुई है पर मैं आपको बता दूं ये एक गोल खतरनाक हो सकता है उसपे बैठना क्योंकि काफी यूक्रेन ने अटैक अच्छे की है, 3 अटैक कर चुकी है पर गोल से काफी दूर गेंद गई है। फेंको और सारे लेफ्ट फ्लैंक से ही गेंद बन रहे हैं, राइट फ्लैंक से अब करने की कोशिश हो रही है। यहां पे भी लेफ्ट फ्लैंक से ही अटैक करने की कोशिश हो रही है और ये अटैक किया सीधा पिकफोर्ड के साथ से गेंद लग के साइड से गई और यहां पे भी लेफ्ट फ्लैंक से गेंद करी है और अच्छा बचाव डिफेंस का, काउंटर अटैक चल रहा है स्टर्लिंग, गेंद और यहां पे मुझे कॉर्नर मिला है रियल वर्ल्ड के अंदर और पैरेलल वर्ल्ड के अंदर और यहां से गोल लग चुका है और जो मैच में आसानी से जीत सकता था मुझे लगता है कि वो मैच बराबरी पे आ गया, 11वीं चूक ने बराबरी कर दी है, 4-4 की बराबरी
Pickford. बहुत ही प्यारा गोल। This has become one superb game of football. Well, without doubt, that's given the coach. और ये ऑफसाइड मिल सकता था, नहीं। और ये गोल। इंग्लैंड के केन बड़ा ही खतरनाक खेल रहे हैं। यहाँ पे स्टर्लिंग के हाथ में गेंद थी, पर लिंको का चेक गेंद ज्यादा दूर नहीं जा पाई। ऑफसाइड हो सकती थी अगर दो पैर कदम पीछे होते हैं, पर इसी के साथ हमारे को लगता है यहां से गोल करके वापसी कर पाएगी यूक्रेन, और रियल वर्ल्ड के अंदर बड़े अच्छे चांसेस बनाए हैं। और ये सीधा अटैक पिकफोर्ड को बीट करना नामुमकिन है। और ये स्टर्लिंग के पास गेंद आई, स्टर्लिंग ने गेंद आगे पकड़ा दी, गेंद जिब्रानी के पास है, और यहाँ पे कुछ हुआ है, लगता है मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है और हम लोग टूट चुके हैं नए वर्ल्ड के सामने से, और उसके लिए मुझे 10-15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। पर आपको बता दें कि जब तक हम यहाँ पर हैं आपको एग्जैक्टली सब कुछ पता रहेगा। और यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं गोल करने की, और बहुत प्यारा सेव, और आपको लगता है आशाएं मुझे खत्म होती हुई दिख रही हैं मौकों की, उन सब चीजों की जो कि उन्होंने बनाई थी, और एक गोल से आगे चल रही है सेम जैसे कि वहां बनी हुई है। और मुझे लगता है आज का मैच आराम से जीत लेगी। पिंचो और साइड लाइन से बाहर, और इतना परेशान होने की मेन जरूरत भी यही है कि हमारे पास अब सिर्फ 9 मिनट रह चुके हैं, 8 मिनट रह 5 मिनट रह चुके हैं, और इस 5 मिनट में गोल करना थोड़ा मुश्किल है। कॉर्नर था, अब कॉर्नर भी चला गया, गोल किक मिलेगी पिकफोर्ड को, पिकफोर्ड ये गेंद देंगे मैग्वायर को, इन्हें चाहिए 4 मिनट तक अपने पास ही गेंद रखे। मैग्वायर शॉ, स्टर्लिंग को ढूंढेंगे, स्टर्लिंग, और ये गेंद मिल चुकी है सैंचो के पास, सैंचो वॉकवायर के पास, वॉकर, और ये हरे केन। आज मैं ये बता दूं कि हरे केन आज प्रिडिक्टेबल है, रोम के अंदर आने वाला है, सीधा इंग्लैंड से आएगा हरे केन नाम का वो, हरे केन नाम बड़ा ध्यान से सोच के रखा हुआ माँ बाप ने, बेचारे माँ बाप ने अपना नाम रखा था माँ बाप ने, वो तो चले नहीं, हरे केन चलेंगे। गेंद अपने पास रखो या साइड लाइन पे कर दो, अपने पास रखो पोजीशन, क्योंकि जितनी पोजीशन अपने पास रखोगे तो मैच के अंदर बन सकते हो। और ये गेंद को रखा अपने पास, गेंद है केन के पास, अरे केन ने सैंचो को ढूंढ रहे हैं सैंचो, और एक पिच के ऊपर से गेंद नीचे से निकल गई है,
गेंद में मिलेगा अब Out. That team needs to figure out where the ball needs to be and it's not there. Kenley. Mount ke paas. Sterling. Shaw ko dekh rahe hain. Shaw dekhenge. Kane ko nahi kar paaye aur ye gain ki thi hai. Chipne ve Kane ne. Aur Kane throw ve quick ke paas hai. Aur wo Stephen Wilko ko denge. Ek goal se pichhad raha hai. 5 minute ka khel rehta hai. 5 मिनट बहुत होते हैं 11 मिलिंको के लिए अगर 11 मिलिंको ने यहां गोल कर दिया क्या अपनी वो और ये गेंद और ये सीधी मारी है केन अच्छा मौका था गोल करने का प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ये रिक्वेस्ट होगी क्योंकि यहां पे हम लाइक लाइव गेम को गेम प्ले खेलते हैं और यहां पे कोशिश कर सकते हैं वो बहुत ही बढ़िया अटैक्स बन रहे हैं प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ये चैनल पर हम बहुत सारी चीजें और चीजें लाते रहेंगे इसके अंदर हम नए नए गेम प्ले स्पोर्ट लाएंगे जो कि सीधी लाइव गेम से जुड़ती हुई गेम्स होंगी और वो आप हमारे साथ बैठ के देख भी सकते हैं बातें भी कर सकते हैं साथ में हम और भी गेम्स दिखाते हैं और ये जिंको 11वीं चूक का ये गेंद 5-2 मिनट पहले अगर वहां से ना लेते स्ट्राइक तो शायद गेम कुछ बन सकती थी एक मिनट का खेल शेष रह चुका है और यहां पर मैं चाहूंगा कि गेम के अंदर पोसेशन बना के रखे इंग्लैंड जो कि अगर यहां से पोसेशन छोड़ते हैं शॉट पे ना जाएं और नहीं ये खतरनाक हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अब एक मिनट किसी समय भी घंटी बज सकती है किसी समय भी कुछ हो सकता है और हां जी हां इसी के साथ इंग्लैंड एक गोल से जीत गया है और आज का जो हमारा गेम प्ले है और रियल लाइफ गेम प्ले मुझे लगता है कि आज इंग्लैंड आराम से यूक्रेन को हरा देगी और मेरे को ऐसा ही लगता है कि आप मतलब इंग्लैंड को सामने मतलब आसानी से जीत जाएगी और इंग्लैंड आसानी से जीत जाएगी यूक्रेन का जीतना नामुमकिन है पर वक्त का कुछ पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए तो इस बटन को जरूर दबाइए हम आपका रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि इस तरह की गेम प्ले हम रोज बनाते हैं और ये मेरा आई थिंक ये हमारा 48वां यूरो कप मैच है और ये 48वां ही है सारे मैचेस की लाइव कवरेज लाइव टू लाइव स्ट्रीमिंग हमने करी है सब आप मैच देख सकते हैं ये फोर्थ क्वार्टर फाइनल है फाइनल क्वार्टर फाइनल इसके बाद कोपा आएगा जो कि हम 3 बजे स्टार्ट करेंगे आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसमें भी बने रहेंगे हमारे गेस्ट थैंक यू वेरी मच